क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी फिर ध्यान देंगे, क्लास नाइन्थ के विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसी लेसन का पहला वीडियो ब्लॉग के बारे में आप तक भेज दिया गया है, इसी लेसन का दूसरा वीडियो है वो आपको बताने जा रहा हूं। इसी लेसन का इसमें अगर हम बात करें तो पहले वीडियो मैंने आपको लेटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया, लेटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाओं के बारे में आप सभी को मैंने बताया था। इसी प्रकार जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या काम आती है ये मैंने बताया था, ये किस लिए बनाई गई है। अक्षांश रेखाएं तापमान और जलवायु बताने के लिए बनाया गया है, टेम्परेचर एंड क्लाइमेट्स के बारे में अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड को बनाया गया है। इसी प्रकार अक्षांश रेखाएं कुछ अक्षांश रेखाएं होती है जो महत्वपूर्ण है, उन्हें हमें समझना बहुत जरूरी होता है और उनका ध्यान, वैसे 90 होती है लेकिन 90 होती है, सभी में अपना अपना काम होता है लेकिन इनमें कुछ रेखाएं ऐसी होती है जो आपको समझने की बहुत ही जरूरी होती है। जो विषुवत रेखा, आप विद्यार्थियों सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री की तरफ जाएंगे तो हमारी एक रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा, आप कर्क रेखा जैसे नाम आता है तो आप समझ जाते हैं कि कर्क रेखा तो इंडिया को भी दो भागों में बांटती है, इंडिया को भी दो भागों में, इसलिए इंडिया यहां स्थित होता है, कर्क रेखा पे इंडिया स्थित है, कर्क रेखा पे इंडिया स्थित है जो भारत को दो भागों में बांटने का काम है वो करती है, कर्क रेखा पे इंडिया स्थित है, इंडिया कर्क रेखा पे स्थित है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये मैंने आपको पहले बताया था, कर्क रेखा इंडिया के अंदर से गुजरती है और भारत को दो भागों में विभाजन करती है। कर्क रेखा से ऊपर एक रेखा है वो है 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा बोलते हैं, आर्कटिक है, नीचे हम अंटार्कटिका आएगा लेकिन ऊपर आर्कटिक रेखा है, ये 66.5 डिग्री पर है। तो ऊपर दो रेखाएं मुख्य है। अब नीचे बात करें, अगर हम साउथ की तरफ बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ अगर हम बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, लिख लीजिए आंकड़े सारे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जब क्वेश्चन लिखाऊंगा तो आपको बहुत काम आएंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बात की जाए तो दो रेखाएं हैं 23.5 डिग्री पे मकर रेखा, उसके नीचे जो एक रेखा है वो अंटार्कटिका रेखा है 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिका रेखा है जो साउथ की तरफ खींची गई है, साउथ की तरफ लाइनिंग है। अगर बात की जाए तो ये रेखाएं हैं साउथ की तरफ, ये रेखाएं अपने अपने मुख्य इनके कार्य होते हैं तापमान जलवायु आदि के बारे में ये बताती है। अगर इंडिया की लोकेशंस की बात करें, विश्व के अंदर भारत कहाँ स्थित है, इसका थोड़ा तीसरा वीडियो जो बनेगा उसके अंदर बताऊंगा मैं कैसे इंडिया को हम देखेंगे ग्लोब के अंदर, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि इंडिया है ग्लोब के अंदर नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में पड़ता है, जो कर्क रेखा का विभाजन करती है, नॉर्थ एंड ईस्ट यानी कहने का अर्थ है उत्तर और पूर्वी देशांतर में, उत्तर और पूर्वी देशांतर में भारत है वो स्थित है। तो इन जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी का शायद आपको पता चल गया होगा, 111 किलोमीटर, सभी के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है वो मानी गई है। आप इसी प्रकार अब हम कुल मैंने बताया अक्षांश रेखाएं है कितनी, लेटिट्यूड रेखाएं है कितनी 90+90, एक है विषुवत रेखा, कुल मिला के 181 है वो लेटिट्यूड रेखाएं हैं वो हो जाती है। इसी अगर हम बात करें तो इसी के अंदर अगर हम अब हम देखेंगे देशांतर लॉन्गिट्यूड जो ऐसे ऊपरी सिरे से आती है, ऐसे आती है जो घुमावदार है, ऐसे रेखाएं हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऐसे जो रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड है वो इनके डबल होती है, लॉन्गिट्यूड होती है जैसे हमने पढ़ा था लेटिट्यूड है वो 90 है दोनों साइड, अब लॉन्गिट्यूड अगर हम देखेंगे वो वेस्ट और ईस्ट पूर्वी इस तरफ वेस्ट पश्चिमी साइड लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं 180 कितनी है 180 नोट कर लीजिए 180 लॉन्गिट्यूड। इसी प्रकार पूर्वी तरफ ईस्ट साइड देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड कितनी 180 कुल मिला के कितनी हो जाती है 360 कुल कितनी होती है 360 बीच में कोई रेखा नहीं है, इसे एक बार दर्शाने के लिए दिखाया गया है,
इसमें भी जीरो डिग्री थी लेकिन इसके अंदर जीरो डिग्री नहीं है, नहीं है जीरो डिग्री। तो ये 360 कुल रेखाएं कितनी है, कुल लाइनिंग कितनी है 360 देशांतर रेखाएं जिसे बोलते हैं। अब देशांतर रेखाएं, एक देशांतर रेखा के बीच की कुल कितने किलोमीटर की कुल दूरी है, कितने किलोमीटर की दूरी है, तो एक देशांतर के बीच कुल दूरी है लिख लीजिए 111.32। ये कुल मिला के 180 हो जाएगी ईस्ट की तरफ और 180 हो जाएगी वेस्ट की तरफ। तो जोड़ दीजिए कितनी होती है कुल, 360 है वो हमारी होगी लॉन्गिट्यूड जिसे हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब देशांतर रेखाओं का क्या कार्य होता है, देशांतर रेखाओं का क्या कार्य होता है, देशांतर रेखाएं क्या काम आती है, तो देशांतर रेखाएं समय और तिथि के बारे में बताती है। देशांतर रेखाएं समय और तिथि के बारे में हमें देशांतर रेखाएं हैं वो बताती है, समय और तिथि के बारे में, दिन रात कैसे बनते हैं, समय कहाँ कितना है, ये हमारा सारा सारा देशांतर रेखाओं का प्रमुख कार्य होता है। देशांतर रेखा, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि देशांतर रेखाओं की सबसे ज्यादा दूरी है वो कहां पर होती है, सबसे ज्यादा दूरी है वो कहां पर होती है, तो सबसे ज्यादा दूरी होती है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है। लेकिन जैसे जैसे देशांतर रेखा नीचे जाती जाएगी, जैसे जैसे तो यहां जाके जो दूरी है वो बिल्कुल सबसे कम हो जाती है। लेकिन पूछा क्या जाता है, पूछा यही जाता है कि देशांतर रेखा की विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। इसी प्रकार हमने लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है। इसी का तीसरा वीडियो मैं आपको बना के फिर भेजूंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों को समझ आए, तो आगे इसी का तीसरा वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी ये एनसीईआरटी बुक से नोट्स बना सकते हैं या एनसीईआरटी बुक की सहायता से ये कार्य कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो सभी को समझ आए। जय हिंद।